देखो नेक्स्ट टॉपिक था अपना मैग्नेटिक फोर्स। टॉपिक का नाम क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। अब बात है कि मैग्नेटिक फोर्स कब लगता है। ठीक है, लाइट सॉरी ऑन है क्या? बोला नहीं बेटा आपने कि लाइट ऑन नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा आपका? मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है वो देखो। इधर जब भी एक करंट कैरिंग वायर, जब भी एक करंट कैरिंग वायर किस में रखोगे आप? मैग्नेटिक फील्ड में। किसके अंदर रखोगे आप? मैग्नेटिक फील्ड में। उसके ऊपर क्या लगेगा? एक फोर्स। और उसको क्या बोलोगे आप? मैग्नेटिक फोर्स। इसका रीजन सिंपल समझो आप, टिपिकल नहीं, कि करंट कैरिंग वायर किसकी तरह बिहेव करता है? मैग्नेट की तरह। और स्टार्टिंग टॉपिक की तो यही था कि करंट कैरिंग वायर किसकी तरह बिहेव करता है, और पहले से वहां पर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में आपने करंट कैरिंग वायर रखा तो वो उसे क्या करेगा? अपोज। और अपोज करने के लिए क्या लगाएगा? फोर्स। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की। किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नेटिक फोर्स। पहले बात तो कंडीशन क्या, कब लगेगा ये? मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग वायर हो, यानी जिसमें करंट फ्लो हो रही हो, तो उस वायर पर क्या लगेगा? फोर्स। फोर्स सिंपली पढ़ा है तो उस पर नहीं लगेगा। ये वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, तब मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। इसी को आपने कहां रख दिया? मैग्नेटिक फील्ड में। तो इसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स। और उसको नाम क्या दोगे आप? मैग्नेटिक फोर्स। आपके सिलेबस में ओनली है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स स्टार्ट करें। तो सबसे पहले देखो इधर, आपके घर में सबसे ऊपर कौन है? मम्मी पापा और बच्चों में सबसे ऊपर कौन होता है? तो दादा कहां से आ गए आप? हैं? पापा। उसके बाद? मम्मी। उसके बाद? हम। चिल्ड्रन या चाइल्ड आया ना, यानी सबसे ऊपर होता है। जैसे इसी डायग्राम की बात करें, ये बताया था लास्ट में अभी आपको, मैं कहा था ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये मैग्नेटिक फील्ड, सबका मालिक एक, ये बताएगा कि फील्ड किधर है। फिर डायरेक्शन ऑफ करंट, तो अब लगेगा फोर्स किधर? ऊपर। तो तीन चीजें होंगी, फोर्स, फील्ड, करंट। फोर्स, फील्ड, करंट। फोर्स की डायरेक्शन ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये क्या है? करंट की डायरेक्शन। सही है। फादर, मदर, चाइल्ड। फादर, मदर, चाइल्ड। फादर, मदर, चाइल्ड। फादर, मदर, चाइल्ड। फादर, फोर्स। मदर, मैग्नेटिक, एम मैग्नेटिक फील्ड। चाइल्ड, करंट। अब तो नहीं भूलोगे? तो आपकी चॉइस जैसे वैसे करो। लेकिन तो ये तो पक्का पता लग गया कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, सब याद करा दो। सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड को, अब याद कैसे रहेगा कि लेफ्ट हैंड ही होगा? आज के बाद अब याद रहेगा कि थप्पड़ किससे पड़नी है, फोर्स किससे लगना है? लेफ्ट हैंड से। तो फोर्स अपन निकालेंगे लेफ्ट हैंड से। तो अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से, तीनों को इस तरह से परपेंडिकुलर अरेंज करना है, जो मैं आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो ये थंब है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? जो ये फोर्थ फिंगर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? और ये जो मिडिल फिंगर है वो इसको? रूल समझ में आ गया? यस सर। थंब किसको? फोर्स को। समझ में आ गई क्या? पक्का? श्योर? तो इसको एक्सपेरिमेंट कर लें इसका प्रैक्टिकली। चलो मान लेते हैं इधर है नॉर्थ पोल, इधर क्या है आपका? साउथ पोल। ऐसे है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? ठीक है। और ये है आपका करंट कैरिंग वायर, इसमें करंट फ्लो हो रही है। ठीक है।
मैग्नेटिक फील्ड कैसे बेटा? ऐसे इस डायरेक्शन, ठीक है। करंट आपकी चॉइस जैसे ले लो, पहली बात तो लेना परपेंडिकुलर है, लेना किधर है? परपेंडिकुलर। करंट फ्लो के, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लेना, ये ध्यान रखना। ऐसे ले लो, किधर लो, इधर या इधर, आपकी चॉइस बताओ। करंट फ्लो की डायरेक्शन इधर ले लें, चलो इधर ले लिया, आपके तरफ ये एरो भी हो रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड है इधर बेटा, करंट की डायरेक्शन किधर है बेटा? इधर, यहां तक, ठीक है। अब निकालना है फोर्स, तो मैंने रूल ये बताया था, सबसे पहले तो ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले किसको ओपन करोगे आप? सबका मालिक ए, वो किधर बता रहा? मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, पक्का रेडी? अब इसके बाद में ये ओपन होगी, ये क्या बता रही है? ऐसे है करंट डायरेक्शन। दो बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? वापस देख लो, सबसे पहले ये खुलेगा मैग्नेटिक फील्ड, फिर ये खुलेगा जो क्या है? करंट, हो गया। अब खुलेगा थंब, किधर आया? पता क्या होगा? जो ये करंट फ्लो करा होगा ना, ये ऐसे ऊपर हो जाएगा, क्यों? मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात? प्रैक्टिकली चीज समझ में आई कि नहीं आई आपको? जो इसके ऊपर फोर्स लगा, किधर आ जाएगा? ये ऊपर हो जाएगा। और यही समझा रखा है डायग्राम के अंदर, ठीक है। और डिपेंड करे भाई फोर्स की डायरेक्शन निकालना आ गया कि नहीं आ गया आपको? पक्का? चलो देखते हैं किताब में क्या लिख रखा है उसको। मैंने कहीं रख दिया क्या पेन? पेन का रख दिया किताब मैंने? ये तो हो गया ना, अगले पेज पे आते हैं। ये देखो हेडिंग का नाम क्या है? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यानी क्या लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स किसके ऊपर? करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसमें क्या फ्लो हो रही है? करंट, लेकिन वो कहां पर है? इन मैग्नेटिक फील्ड। बैठ गई मेरी बात दिमाग में? क्या किया हुआ देखो डायग्राम में, देखो यहां एक मैग्नेट है, दिख रही है आपको मैग्नेट? ये इस ऐसे है मैग्नेट, सुन आगे मेरी बात, ये आपकी मैग्नेट है और इसके अंदर क्या फ्लो करवा रहे हैं अपन? करंट फ्लो करवा रहे। तो पहले ये सीधा था ऐसे, क्या था ऐसे? सीधा, सीधा। लेकिन जो फोर्स लगा ये कहां चला गया? ऊपर चला गया, समझ में आ गया मेरी बात? तो इसको देखो लिखा हुआ है, ए करंट कैरिंग रॉड ए बी एक्सपीरियंसेस अ फोर्स परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड द मैग्नेटिक फील्ड। सही बात है भाई, लेंथ जिसमें क्या होगी? करंट फ्लो होगी, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। भाई जो फोर्स आएगा वो किसके परपेंडिकुलर? भाई जो फोर्स आएगा वो किसके परपेंडिकुलर आएगा? मैग्नेटिक फील्ड और करंट, यानी जो लेंथ थी भाई, लेंथ में तो करंट फ्लो होगी, तो लेंथ के और मैग्नेटिक फील्ड के दोनों के परपेंडिकुलर क्या आएगा? ये लाइन लिखी हुई है, नहीं समझ में आई? नहीं आई? चलो वापस देखो, जो फोर्स आएगा वो किस किस के परपेंडिकुलर आएगा? क्या मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आएगा? क्या फोर्स आएगा? क्या जो करंट फ्लो हो रही है क्या उसके परपेंडिकुलर आएगा? या मैं ऐसा बोलूं कि जो फोर्स आएगा वो करंट मैग्नेटिक फील्ड के और करंट दोनों के ही क्या आएगा? हाँ है ना? अब बताओ करंट कैसे फ्लो होगी? जैसे ये वायर है तो वायर में तो करंट फ्लो होगी ना, तो उसके लेंथ क्या लोगी? तो होगी, तो ये तो है वायर की लेंथ, और ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है? तो ही तो यह लाइन लिखी है, ए करंट कैरिंग रोड ए बी एक्सपीरियंस है फोर्स परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। लेंथ क्यों बोलोगे? लेंथ कह लोगे क्या फ्लो हो रही है? करंट ना।
परपेंडिकुलर टू, और तो ये लिख लो, परपेंडिकुलर टू करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। बैठ गई मेरी बात, आगे चले, इतनी सी बात ही है। जब ये तो एक्सपेरिमेंट था, ये तो क्या था, और इस एक्सपेरिमेंट से वो क्या लिखेगा, एक लॉ लिख देगा। ये समझाया मैंने अभी आपको, ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है, डायग्राम ऐसा बना रखा उसने किताब में। अब इसको ऐसा कर दो तो क्या प्रॉब्लम है, कैसे भी कर सकते हो आप, समझ में आ गई मेरी बात दिमाग में, ठीक है। अरे लिखा हुआ क्या, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्या लिखा हुआ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, समझ में आया, लेफ्ट हैंड रूल का मतलब समझ में आ गया आपको, सबको क्लियर है। अब इसको पढ़ते हैं एक बार, देखो, स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड के तीनों क्या करना है आपको, ओपन करना है, सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, सब आपस में एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलेंगे अपन, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी एक दूसरे के सब आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, किसको रिप्रेजेंट करी है, मैग्नेटिक फील्ड, एंड द सेकेंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन और द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, समझ आ गई क्या, लेफ्ट हैंड थंब रूल एग्जैक्टली समझ में आ गया, yes, sir. चलो अब छोटी सी बात, ये कोई ज्यादा काम की तो नहीं है, डिवाइसेस दैट यूज करंट कैरिंग कंडक्टर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इंक्लूड इलेक्ट्रिक मोटर, यानी इलेक्ट्रिक मोटर में भी मैग्नेटिक फील्ड यूज होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये कुछ ज्यादा कुछ खास का था नहीं, सिर्फ ओनली अपने लिए क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर, और ये डिस्कस करेंगे अपन अगले बार टॉपिक के अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आपका, इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। टाइम क्या हो गया, 11 बज गए, सोचना पड़ेगा यार, बच्चे भी आए हुए बैठे हैं।